देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लोग बहुत चल रहे हैं, कार भी चलते हैं। ये एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी जो हम बहुत वेस्ट हो रही है, हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको यूटिलाइज कर सकते हैं जैसे हम अगर ये पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल, ये जो डिस्क है इसको हम नीचे लगा सकते हैं। तो फिर जैसे आप देख सकते हैं प्रेस करता हूँ, ये अभी टेक्नोलॉजी अभी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि अभी इसके एप्लीकेशन इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हो रहा है, तो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा और अगर इंडिया में कर सकते तो बहुत अच्छा होगा। ये जो अभी इसकी प्रोड्यूस हो रहा है ये अभी ए सी तो हम इसको अभी स्टोर नहीं कर सकते हम इसको। तो उस टाइम एक्चुअली क्या होता है सर, जो ये हानि होता है हम क्लैक्स को लेते हैं अपर एरियाज में, लेकिन उसकी वजह से जब हम पॉलिनेशन के लिए लाते हैं तो बीज मर जाती है। उसके बाद वो जो रहता है बीज की वजह से प्रॉफिट बेसिस के लिए कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा अलग से किया, मैंने अपनी टीचर्स को पहले होम डिलीवरी की कोविड टाइम में, फिर वहाँ से मैंने हानि का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर अलग अलग वेराइटीज़ का नहीं, जैसे उनमें काफ़ी ऑर्गेनिक हानि होती है एक्चुअली, क्या इसमें मिक्सिंग वगैरह होती है तो उससे थोड़े बचने के लिए मैंने किया। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ली थी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, जैसे चटनी जैम एंड ऑल, फिर उसका मैंने आउटलेट किया ये शुरू फैक्ट्री सेटअप किया कोट टाइम में। तो उसके बाद थोड़ा एक एक्सपोर्ट हो गया, फिर ये एक्चुअली दुबई गया था मलेशिया से लिए, फिर वहाँ से थोड़ा और कुछ मिला। बाकी आपके यहाँ खादी इंडिया में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है हमारे, तो ये स्टैंड पॉइंट के पास है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सर। जैसे लोकल लोग लोकल प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा था सर, जब आप लोग आए थे तो थोड़ा रश था। इनफैक्ट उसके बाद लद्दाख वालों का भी था, लेकिन वो बोल रहे थे कि हिमाचल वालों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था सर।